तो हेलो गाइस, आपका स्वागत है। मैं चलन भारू पे। तो गाइस, आज के वीडियो में मैं आर्मर स्टैंड बनाने वाला हूँ। मतलब कि अब मैंने ये छोटे छोटे से माइनक्राफ्ट के जो ट्यूटोरियल होते हैं ना, वो अब मैं बनाने वाला हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैंने जो माइनक्राफ्ट का सीरीज स्टार्ट किया था उसकी वीडियो नहीं आएगी, उसकी भी वीडियो आएगी, उसकी थोड़ी सी लेट आती है, इसलिए अब मैं छोटे छोटे से ट्यूटोरियल बना रहा हूँ। तो अभी मुझे पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे पहले लकड़ी चाहिए। अब प्लैंक बनाने के लिए इन्वेंटरी में जो चार ब्लॉक होते हैं वहाँ पे वुड को रख देना, जिससे एक प्लैंक मिल जाता है। अब मुझे क्राफ्टिंग टेबल बनाना है। क्राफ्टिंग टेबल बनाने के लिए इन्वेंट में जो चार ब्लॉक होते हैं वहाँ पे चार प्लैंक को इस तरीके से रख देना है, जिससे कि क्राफ्टिंग टेबल मिल जाता है। तो अब मुझे ना एक पिकैक्स बनाना है, उसके लिए पहले मुझे स्टिक को बनाना पड़ेगा। स्टिक को बनाने के लिए दो प्लैंक को इस तरीके से रखना होता है, जिससे कि स्टिक मिल जाता है। इन्वेंट में जो चार ब्लॉक होते हैं ना, उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब मुझे वुड का पिकैक्स बनाना है। वुड का पिकैक्स बनाने के लिए पहले स्टिक को इस तरीके से रखना है, उसके बाद प्लैंक को ऊपर लाइन से इस तरीके से रखना होता है, जिससे कि वुड का पिकैक्स मिल जाता है। तो अभी मैं एक शॉवल भी बना लेता हूं, ताकि मैं डॉट को जल्दी जल्दी तोड़ सकूं। अब मुझे स्टोन की जरूरत पड़ेगी। स्टोन को ढूंढने के लिए कहीं पे भी चार पांच ब्लॉक ना नीचे जमीन के नीचे खोदने पर ना स्टोन मिल जाता है। देखो इस तरीके से होता है स्टोन का ब्लॉक। तो इसको तोड़ने के लिए ना किसी भी पिकैक्स से तोड़ लेना है, डायमंड, आयरन, गोल्ड या फिर जो सा भी पिकैक्स है। मेरे पास वुड का पिकैक्स है, तो अभी मैं स्टोन को तोड़ लेता हूँ। चलो 11 कबल स्टोन हो चुकी है, इससे काम हो जाएगा। अब मुझे फोरनेंस को बनाना है। फोरनेंस को बनाने के लिए क्राफ्टिंग टेबल में कबल स्टोन को इस तरीके से रख देना होता है, जिससे कि फोरनेंस मिल जाता है। तो अभी मैं एक फोरनेंस बना लेता हूँ। इसके अंदर मुझे सुमध स्टोन को बनाना है। सुमध स्टोन को बनाने के पहले मुझे स्टोन को बनाना पड़ेगा। तो स्टोन को बनाने के लिए ना यहाँ पे कबल स्टोन को रख देना, और नीचे कुछ भी लकड़ी का सामान या फिर कोल को रख देना, जिससे कि कबल स्टोन मेल्ट होकर स्टोन बन जाता है। ओके, तो यहाँ पे तीन स्टोन बन चुके हैं। तो मुझे ना इसे फिर से पकाना है, जिससे कि स्मूथ स्टोन मिलेगा। मैं तीन स्मूथ स्टोन इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मुझे स्लैब बनाना है, और स्लैब बनाने के लिए तीन स्मूथ स्टोन की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो यहाँ पे मुझे तीन स्मूथ स्टोन मिल चुके हैं, तो अभी इसे मैं ले लेता हूँ। अब इसे स्लैब बनाने के लिए ना क्राफ्टिंग टेबल में लाइन से इसे रख देना होता है, जिससे कि स्लैब मिल जाता है। अब मुझे खाली थोड़े से स्टिक बनाने, उसके बाद मैं आर्मर स्टैंड बना सकता हूँ। अब आर्मर स्टैंड बनाने के लिए इस तरीके से छह स्टिक को रख देना है, और नीचे एक स्मूथ स्टोन स्लैब को रख देना है, जिससे कि आर्मर स्टैंड मिल जाता है। अभी इसे मैं ले लेता हूँ। अब इसके अंदर सामान लगाने के लिए ना कहीं पे भी आपको पहले से रख देना है। रखने के बाद जिस सामान को आप लगाना चाहते हो उसको हाथ में लो, इसके ऊपर होल्ड करोगे तो सामान अपने आप लग जाएगा। या फिर एक और तरीका है, आप इसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो नीचे इक्विप का एक बटन आ जाता है, जिसके ऊपर क्लिक करोगे ना तो आपका सामान इसके अंदर लग जाता है। और लेने का भी बिल्कुल सेम तरीका है, एक बार क्लिक करो, इक्विप का बटन आएगा, उस पर क्लिक करो, सामान वापस आ जाएगा। या फिर आप होल्ड करके भी सामान को ले सकते हो, इसके ऊपर होल्ड करो, जो सामान पे होल्ड करोगे वो आपके पास अपने आप आ जाएगा। और अगर आप चाहो तो इसका पोज भी चेंज कर सकते हो। चेंज करने के लिए क्राउच करना होता है। क्राउच करने के बाद नीचे पोज का भी एक बटन आ जाता है। पोज पे अगर आप क्लिक करोगे ना तो इसका पोज होगा, आर्मर का पोज वो चेंज हो जाएगा। तो गाइस, अब मैं वीडियो को यहीं खत्म कर रहा हूँ। और अगर आपको चलो प्लीज़ यार वीडियो को एक लाइक तो कर ही देना, और चैनल पे नहीं तो भाई क्या करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप कमेंट करके बता सकते हो कि अगला वीडियो मैं किस टॉपिक पर बनाऊँ। तो अब मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।